शीर्षासन सीखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारी जो हाथों का गैप है वो इतना होना चाहिए, यानी इस तरह से हाथ रखेंगे तो अपनी एल्बो टच हो, नंबर वन। दूसरा, हाथों को ऐसे आधा लॉक करना, फिंगर्स को ऐसे आधा लॉक करना है, नीचे रखना है यहाँ पे ऐसे। और सिर का जो फ्रंटल बोन है माथे से ऊपर का रीजन, वो नीचे टच करना हाथों के बिल्कुल बीच में। ऐसे हाथ रखे, माथा रखा, धीरे धीरे घुटने सीधे, पैरों को धीरे धीरे आगे लेके जाना है, पीठ सीधी होती जाएगी और एक पैर पहले फोल्ड करना, फिर धीरे से दूसरा पैर, ना उठे तो उसको नीचे रखना है, झटका नहीं देना, दूसरी तरफ भी गिर सकते हैं तो किसी का सहारा या दीवार का सहारा लेके कर सकते हैं शुरू में। धीरे धीरे दोनों पैर फोल्ड और यहीं पर रोकना, इतने पे पीठ को सीधा रखने की कोशिश करनी। इतना जब हो जाए तो फिर धीरे से यहीं से ही वापस, धीरे धीरे फिर पैर ऐसे आगे लेके जाते हुए नीज फोल्ड, और यहाँ से पहले एक पैर लेके जाना है, ताकि गिरो तो आप इसी तरफ गिरो, पहले एक पैर, फिर एक पैर जब चला जाए फिर धीरे धीरे साथ साथ इसके दूसरा पैर। तो इस तरह से आपका शीर्षासन कंप्लीट हो गया, और धीरे से ऐसे ही वापस। थोड़ी देर शशांक में रुकना यहीं पे और फिर रिलैक्स करना है। ऐसे शीर्षासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, शुरू में से दीवार के साथ भी किया जा सकता है या किसी की हेल्प लेके करें। थैंक यू।